नमस्ते दोस्तों, आज मैं दिखाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट में बनने वाला बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी को मैं कैसे घर में बनाती हूँ। वही इसका नाम है चिकन स्टिक विद सॉल्टेड वेजिटेबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया 150 ग्राम चिकन बेस पीस और इसमें छोटा छोटा कट मैं पहले कर लेती हूँ। अब इस ब्रेस्ट पीस को एक अलग बोल में डाल के इसको मैरिनेशन के लिए मैं डाल देती हूँ ऊपर से ब्लैक पेपर पाउडर। नमक और ये दो जो ब्लैक पेपर एंड नमक है ये दोनों साइड में मैं अच्छे से लगा लेती हूँ। अब इसमें मैं डाल देती हूँ रिफाइंड ऑयल 1/2 टीस्पून। इसको भी अच्छे से मिला के मैं रेस्टिंग के लिए रख देती हूँ 1 से 1.5 घंटे के लिए। अब चलिए मैं इसको ग्रिल कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने रिफाइंड ऑयल ले लिया 1 टेबलस्पून और जब रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 गोटा लहसुन बीच में से कट करके। हाफ टेबल स्पून ऑरिगेनो और ये दोनों जो मैंने डाला इसको मैं एक साइड में डाल देती हूँ और दूसरे साइड में मैं दे देती हूँ वो जो मैरिनेटेड चिकन रेसिपी से उसको। अब ऊपर से मैं डाल देती हूँ क्रश किया हुआ गार्लिक, उसको मैं अच्छे से जो कट करके मैं ऑलरेडी रखी थी बेस पीस में उसके अंदर अच्छे से मैं लगा देती हूँ। अगर आप चाहो तो ये ग्रिल ये जो ग्रेटेड गार्लिक है इसको आप मैरिनेशन के टाइम में भी दे सकते हो, पर मैं प्रेफर करती हूँ जब ग्रिल करती हूँ उसकी उस टाइम यूज़ करना। जब एक साइड थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो मैं दूसरी साइड में पलट देती हूँ गोल्डन ब्राउन करने के लिए और ऊपर से मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ सीजनिंग के लिए। जब अच्छे से कुक हो जाए ब्रेस्ट पीस तो मैं 1 टेबलस्पून बटर दे देती हूँ। इससे जो होता है कि जो ब्रेस्ट पीस है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है बटर की जो स्मेल है वो। देखिए मेरा जो रेसिपी से ऑलरेडी डन है। अब इसका जो सॉस है वो बना लेते हैं। सेम पैन में मैं डाल देती हूँ 1/2 कप पानी, फिर मैं इसमें डाल देती हूँ सोया सॉस 1/2 टेबलस्पून, हनी ये भी 1 से 1.5 टेबलस्पून और थोड़ा सा नमक। सोया सॉस में ऑलरेडी नमक है तो जस्ट सीजनिंग के लिए मैं थोड़ा सा नमक यूज़ किया और इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए उबालने के लिए छोड़ देती हूँ। 2 से 3 मिनट के बाद सॉस जो है वो बिल्कुल रेडी है और इसको छान के मैं एक अलग बोल में निकाल के रख देती हूँ। अब सॉल्टेड वेजिटेबल जो है वो बना लेते हैं। इसके लिए अलग पैन में मैं डाल दिया 1 टेबलस्पून बटर और इसमें मैं एक एक करके डाल देती हूँ गाजर लंबा लंबा कट किया हुआ, बीन्स ये भी लंबा लंबा कट कर किया हुआ, आप चाहो तो कैप्सिकम भी डाल सकते हो पर मैं ये 2 वेजिटेबल्स ही यूज़ किया। थोड़ा सा फ्राई करके मैं इसमें सीजनिंग के लिए डाल देती हूँ नमक स्वाद अनुसार, ब्लैक पेपर पाउडर ये भी स्वाद अनुसार और चिली फ्लेक्स, मैंने 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स यूज़ किया और अच्छे से मैं टॉस करके जो सारे जो मसाला मैंने डाला वो मिला लेती हूँ। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। पहले मैं एक प्लेट में पहले डाल देती हूँ
सॉर्टेड जो वेरिएंट मैंने बनाकर रखी थी वो, उसके साथ में दे देती हूँ चिकन ग्रिल चिकन जो ब्रेस्ट पीस है उसको, और उसके ऊपर से मैं डाल देती हूँ जो सॉस मैंने बनाकर रखी। अगर मेरी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर कमेंट करना भी मत भूलिएगा। वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट रेसिपी के लिए, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।